जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं जो एजुकेशनल वीडियोस है वो बनाता हूं। सबसे पहले तो जो पीपीटीज होते हैं वो मैं अपने लैपटॉप पे बना लेता हूं, उसके बाद अपने मोबाइल पर मैं जो वीडियोस है वो रिकॉर्ड करता हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं ये जो वीडियोज़ होते हैं, ताकि अगर आपको भी पढ़ाने की इच्छा है तो आप भी इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसमें आपको चाहिए सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन। अब एंड्रॉयड फ़ोन में आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उस पर आपको DU स्क्रीन रिकॉर्डर ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप इसे ओपन कीजिए। अब इसमें आपको यहाँ पर जो भी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पर अपग्रेड करनी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो रिजोल्यूशन, तो आपको हाईएस्ट इस पे डाल देना है। उसी के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं रिजोल्यूशन एकदम हाई इस पे डाल देना है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है वो भी मिलती है, जैसे वाटर मार्क जो है सबसे पहले आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे अनेबल रखते हो तो आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद DU स्क्रीन रिकॉर्डर लिख कर एक वाटर मार्क दिखेगा। तो अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो वाटरमार्क नहीं दिखेगा। डिसेबल्ड आप करते हो, उसके बाद आपको अगर खुद का चेहरा भी दिखाना है तो आप यहाँ पर कैमरा को अनेबल कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर ब्रश को अनेबल कर सकते हो। फिर ये करने के बाद आप कुछ भी जो चाहे आप लिख सकते हो। अब उसके बाद आपको इसे मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा जो डॉट है वो नज़र आएगा। अब आपको फिर से प्ले स्टोर में जाना है, और उसके बाद जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो आपको डाउनलोड करना है। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो एप्लीकेशन होती है उसे आपको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसे आपको ओपन करना है। आप जब ओपन करोगे तब आपको जो भी PPT आपको यहाँ बनानी है तो आप यहाँ भी बना सकते हो, या फिर अगर आपको लैपटॉप में बनानी है तो लैपटॉप में बनाने के बाद आप अपने मोबाइल में वो जो PPT है वो ले सकते हो, और उसके बाद आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन के ज़रिए उसे ओपन कीजिए। अब यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन जो है उसे ओपन करता हूँ, एक PPT जो है उसे ओपन करता हूँ। अब ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा एक ये नज़र आएगा स्लाइड शो का ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको स्लाइड शो ये आपकी जो PPT है पूरी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर भी आपको काफ़ी ऑप्शंस नज़र आते हैं। अब देखिए यहाँ से अब जो आपको यहाँ पर रेड डॉट नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके आप प्ले का जो ऑप्शन आता है जहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है रेड कलर का, ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर बॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो आपको एक प्ले का ऑप्शन जो है वो नज़र आएगा। तो आप इसमें प्ले का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर सकते हो, और इसमें पॉज का भी ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप पॉज भी कर सकते हो आपका वीडियो। और अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप कोई चीज़ इस तरीके से यहाँ पर दबा कर रखिए, प्रेस करके रखिए स्क्रीन पर, तो आपको इस तरीके से एक जो हाइलाइटर है वो नज़र आएगा, और फिर आप जो कुछ भी आपको जहाँ पर हाईलाइट करना है वो आप हाईलाइट कर सकते हो, या फिर DU स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए आपको जहाँ पर जो मिला हुआ है इस पर क्लिक करके आपको जो भी लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो PPT है वो रिकॉर्ड होगी, और स्लाइड करने पर जो दूसरी PPT है वो आ जाएगी, और आपको जो भी हाईलाइट करना है वो आप कर सकते हो। और इसके बाद आपको स्टॉप करना है, तो यहाँ पर जो रेड स्पॉट नज़र आ रहा है उसे क्लिक कर सकते हो और जो आपका वीडियो है वो पॉज हो जाएगा। अब आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होने के बाद एडिटिंग का भी ऑप्शन जो है आपको नज़र आता है। अब यहाँ पर DU स्क्रीन रिकॉर्डर में आकर आपको अगर जो भी चीज़ें एडिट करनी हो, जो भी वीडियोज़ एडिट करना हो, तो आप एडिट वीडियो में जाकर एडिट भी कर सकते हो। फिर जो आप एडिट कर लिए हो, अगर आपने ट्रिम करके या जो कुछ भी आपको करना है, उसके बाद अगर आपको दो वीडियो मर्ज करना है तो आप मर्ज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरे जो फीचर्स है DU स्क्रीन रिकॉर्डर में दिए हुए हैं। इस तरीके से आप DU स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो उसके ज़रिए आपको जो भी वीडियोज़ बनाने हैं वो आप वीडियोज़ बना सकते हो। इसमें आप जो गेमिंग है उसके वो भी वीडियोज़ बना सकते हो, मतलब स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है और आप जो कुछ भी बाहर से बोल रहे हो वो सब रिकॉर्ड होता जाएगा।
इंटरनल जो वॉइस होती है, इंटरनल जो आवाज़ होती है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन बाहर से अगर आपके बैकग्राउंड में कोई चिल्ला भी रहा है, अगर आपके बैकग्राउंड में कोई मित्रों इस तरीके से बोल भी रहा है, तो वो भी जो चीज़ है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वो भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो हमारे वीडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड होते हैं और आपके सामने आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।